हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसका कोड है P40601 इस सब्जेक्ट यानी इस पेपर के हम लोग यूनिट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है, टॉपिक का टाइटल है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड स्टूडेंट्स टी टेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप सबको पता होगा कि हाइपोथेसिस किसी भी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कोई जो एक अपना एक सेंटेंस जो है प्रतिपादित करता है, ठीक है, किसी पैरामीटर के बारे में। उदाहरण के तौर पे हम हाइपोथेसिस की बात करें, उदाहरण के तौर पे जैसे कि अगर हम लें एक उदाहरण कि इंडिया में जो बच्चे हैं वो एक सप्ते में कम 3 घंटे टीवी देखते हैं, तो एक ये हाइपोथेसिस हुआ बच्चे के लिए इंडिया में। किसी ने दिया कि हाइपोथेसिस इस मैटर में यानी पैरामीटर, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर इंडिया में बच्चे एक सप्ते में 3 घंटे टीवी देखते हैं, तो एक हाइपोथेसिस हुआ ये। अब इसको हम टेस्ट करेंगे बाय स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को लगा के इस हाइपोथेसिस को हम जब टेस्ट करेंगे, यही कहलाएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हमने एक एग्जांपल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कि इंडिया में जो आम जनता है वो सप्ते में कम से कम 1 घंटे जो है वो वॉकिंग करते हैं, तो ये एक हाइपोथेसिस हुआ। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि कहां तक ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है, यही तरीका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये तरीका सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, इस बात को पता करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इन सेंटेंस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, दे आर हाइपोथेसिस दैट आर स्टेटेड इन सच ए वे दैट दे मे बी इवैल्यूएटेड बाय द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जैसे मैंने कहा कि एक कथन है, ठीक है, हाइपोथेसिस एक कथन है, ठीक है, जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम फिर उसको साबित करते हैं किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के द्वारा, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज ए कंजेक्टर अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एक ओपिनियन का है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में अगर एक पैरामीटर की बात करें कि इस जोन का, अगर हम कहें कि नॉर्थ बिहार जोन में अगर मैक्सिमम हाइट होगा जो पॉपुलेशन का वो 6 फीट का होगा, तो डेट इज द पैरामीटर, एक पॉपुलेशन के लिए एक पैरामीटर हुआ, ठीक है। या मैक्सिमम जो लाइफ स्पेन होगा इस नॉर्थ बिहार जोन का एक इंसान का 70 ईयर्स, दैट इज द पैरामीटर, इसी को हम पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। तो एक पैरामीटर यानी कोई एक खास कारक जो हम सेट करते हैं किसी पॉपुलेशंस के लिए, ठीक है, किसी खास कारक को जो हम सेट करते हैं किसी पॉपुलेशंस के लिए, उसी को हम पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं या सिंपल पैरामीटर बोलते हैं, है ना। तो ये जो हम किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जब हम हाइपोथेसिस देते हैं, तो इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। तो दिस कंजेक्टर यानी दिस ओपिनियन, ये जो ओपिनियन है, मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, इसी बात को साबित करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, साबित करते हैं टेस्ट लगा के, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जैसा मैंने कहा कि द मेथड इन विच वी सेलेक्ट द सैंपल टू लर्न मोर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कहने का मतलब है एक दिए गए पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसका अध्ययन, ठीक है, उसका अध्ययन किसके माध्यम से, स्टैटिस्टिकल मेथड्स टेक्निक्स के माध्यम से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है।
तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए मेथड फॉर टेस्टिंग ए क्लेम और हाइपोथेसिस अबाउट द पैरामीटर इन ए पॉपुलेशन यूजिंग डाटा मेजर्ड इन ए सैंपल। कहने का मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक टेस्टिंग मेथड है, इसका क्लेम का यानी हाइपोथेसिस का टेस्टिंग मेथड है, टेस्ट करते हैं ये जो किया गया क्लेम यानी जो दिया गया हाइपोथेसिस वो सही है या गलत है अबाउट ए पैरामीटर, किसी पैरामीटर के बारे में किसी खास पॉपुलेशन का, यही कहलाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसा मैंने आपको एक उदाहरण लिया कि नॉर्थ बिहार वाले जोन में जो भी पॉपुलेशन हैं उसकी एवरेज हाइट अगर हम माने 6 फीट है किसी ने कहा, तो हम इस 6 फीट को प्रूव करने के लिए क्या ये बात, ये तो हाइपोथेसिस हो गया, इस बात को प्रूव करने के लिए जो भी टेक्निक्स हम लगाएंगे वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाएगा। हमारे हिसाब से क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम चीज है। तो द 4 स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस यानी कहने का मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेट द हाइपोथेसिस, हम किसी हाइपोथेसिस को सेट करते हैं कि क्या हाइपोथेसिस होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो एक सप्ते में, इंडिया के जो एवरेज बच्चे हैं वो एक सप्ते में 3 घंटा टीवी देखते हैं। तो मैंने एक सेट किया, एक हाइपोथेसिस सेट किया, दैट इज द हाइपोथेसिस। अब इस चीज को दूसरे स्टेप में चलते हैं, इस सेट द क्राइटेरिया फॉर ए डिसीजन। अब हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं इस हाइपोथेसिस के लिए ताकि उसके आधार पर कोई डिसीजन लिया जाए कि ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तीसरा स्टेप इसमें कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कहने का मतलब है कि हम अब स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तभी तो हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के आधार पे हम किसी हाइपोथेसिस को प्रूफ करते हैं कि वो सही है या गलत है, यही तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहलाता है। तो अब चलते हैं कि हम जब कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब हम टेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस है वो हम कंप्यूट करते हैं, सेट करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। तब 4th स्टेप है मेक ए डिसीजन। अब उस ऑब्जर्वेशंस पे हम अब डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आखिर जो हमने किया कि हाइपोथेसिस सेट किया, फिर क्राइटेरिया फॉर ए डिसीजन, डिसीजन के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमने सेट किया, फिर कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद हमें क्या निकला उस पे हमको डिसीजन लेना होगा कि ये हाइपोथेसिस सही है या गलत है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं इसके। तो स्टेप 1, जैसा मैंने कहा कि पहला स्टेप है स्टेट द हाइपोथेसिस। ठीक है, वी माइट वांट टू टेस्ट द क्लेम दैट द मीन नंबर ऑफ आवर्स दैट चिल्ड्रन इन इंडिया वॉच टीवी इज 3 आवर्स। ठीक है, इन ए वीक यानी पर वीक। कहने का मतलब है, जैसे मैंने एक उदाहरण पहले ही ले चुका हूं कि इंडिया में जो बच्चे हैं वो एक सप्ते में 3 घंटे टीवी, औसतन 3 घंटे टीवी देखते हैं इंडिया में। हम टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं यानी बच्चे, इंडिया में जितने बच्चे हैं उस सारे बच्चे की पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम किसी पार्टिकुलर सैंपल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी खास एरिया में लोकलाइज बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे हैं उस बच्चे का जब हम मीन वॉचिंग आर अगर हम टीवी का निकालते हैं तो बच्चे 3 घंटे टीवी देखते हैं। तो मैंने एक हाइपोथेसिस सेट किया, तो ये पहला स्टेप है, स्टेट द हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस है, क्या ये बात सही है या गलत, ये आगे प्रूफ होगा। तो अब स्टेप 2 आती है, स्टेप 2 आता है, तो इसमें स्टेप 2 में क्या करते हैं, सेट द क्राइटेरिया फॉर ए डिसीजन। ठीक है, डिसीजन के लिए हम अब क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो जैसा मोस्ट सैंपल we select about should have a mean close or equal to 3 hours if the claim or testing is true। कहने का मतलब है, अब इंडिया में जब हम बात करें तो इंडिया में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सारे स्टेट आते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई एक जगह के सैंपल लेंगे, कोई एक जगह के बच्चे का हम एवरेज वॉचिंग टीवी आर्स निकालेंगे। कहने का मतलब है कि किसी खास एरिया में, सपोज उदाहरण के तौर पे हम अब इंडिया, तो पूरा पॉपुलेशन की बात हो गई, इंडिया में पूरे बच्चे की पॉपुलेशन की बात हो गई कि वो 3 घंटे टीवी देखते हैं एक सप्ते में,
अब हम चलते हैं कि इस इंडिया में ही एक पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, चलिए हम पूर्णिया को सेलेक्ट करते हैं। तो पूर्णिया में जितने बच्चे हैं उसमें हम अब हम उसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर वो बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो ये पूर्णिया वाला जो बच्चा होगा वो सैंपल होगा, और ऑल ओवर द इंडिया का अगर बच्चा होगा तो डेट इज द पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो अब सैंपल यानी पूर्णिया के जो बच्चे होंगे वो सैंपल कहलाएंगे। ठीक है, अब पूर्णिया के बच्चे में जब हम एनालिसिस किए तो अगर एनालिसिस पूर्णिया का किया, कटिहार का किया, अररिया किया, इस तरह से किया, तो हमने अगर चार सैंपल लिया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, चारों सैंपल का हमने जब मीन लिया, हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, जब मीन लिया तो अगर वो मीन, ठीक है, इसमें कितना था इंडिया की अगर बात करें तो 3 घंटे, दैट इज द मीन, वो एवरेज था, पॉपुलेशन एवरेज था, पॉपुलेशन मीन था वो। ठीक है, पूरे इंडिया के बच्चे का औसतन वॉचिंग टीवी आवर 3 आवर्स था। लेकिन अगर हम अब सैंपल की बात करते हैं, वो वही रहने दीजिए, 3 घंटे हो गया पॉपुलेशन का औसत। ठीक, अब चलते हैं कि हर सैंपल का निकालते हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज का हमने 4 सैंपल एनालाइज किया। अगर चारों में बच्चे का मीन टीवी वॉचिंग आवर अगर 3 घंटे या 3 घंटे के नजदीक यानी क्लोज टू 3 आवर्स लाइक 2.9, ठीक है, या 2.95, 2.99 या 3.1, 3.2 यानी नियर टू 3 यानी 3 घंटे के आसपास, कोई 3 घंटे से 2-4 मिनट कम, 3 घंटे 3 घंटे 2-4 मिनट, इस तरह से अगर वो टीवी देखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो हमने हाइपोथेसिस सेट किया था दैट इज ट्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर यही चीज कि 3 घंटे अगर हम ये सपोज थोड़ा देर के लिए, ये तो ये वन हैंड हुआ, अब सेकेंड हैंड की बात करें, अगर हम चारों जिला की बात करें, चारों जिला में बच्चे का वॉचिंग टीवी आवर्स अगर हम का मीन निकालते हैं, ठीक है, तो अगर वो 3 घंटे से बहुत ज्यादा या 3 घंटे से बहुत कम, ठीक है, होता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो हम हाइपोथेसिस सेट किए थे कि इंडिया के बच्चे का पॉपुलेशन में टीवी वॉचिंग आवर जो है वो 3 आवर्स है, वो तब कथन गलत होगा। तो सो हम इसकी बात करते हैं, सेट द क्राइटेरिया फॉर अ डिसीजन। तो सो एट व्हाट पॉइंट टू डू वी डिसाइड दैट द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सैंपल मीन एंड 3 इज सो बिग, यानी सैंपल मीन यानी पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज का जो मीन होगा, जो बच्चे का टीवी वॉचिंग आवर जो होगा वो 3 से बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा, यानी यहाँ पे बच्चे मान के चलिए 1.5 घंटा टीवी देखते हैं, ठीक है, ये 1 घंटा टीवी देखते हैं, तो 3 से जो है 1 बहुत ही कम हुआ, रेस्पेक्ट में 2 यूनिट कम हुआ, या कोई बच्चे यहाँ पे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे टीवी देखते हैं, तो 3 से ये बहुत ज्यादा हुआ, यानी पॉपुलेशन मीन से बहुत ज्यादा हुआ, तो इट मीन्स की ऊपर वाला हाइपोथेसिस नॉट ट्रू, ऊपर वाला हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू नहीं होगा। तो दैट इज द सेट द क्रिटेरिया फॉर ए डिसीजन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, वी कुड सेलेक्ट 20 चिल्ड्रन एंड मेजर द मीन टाइम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम सेकेंड स्टेप में हम बार बार मीन की बात करते थे, तो हम कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मीन ले लें, ठीक है, हम कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं। तो हम अब वही पैरामीटर को फिक्स करना है कि हम कौन सा पैरामीटर लें, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, मीन लें, मीडियन लें कि मोड लें, कौन सा लें, तो हम यहाँ सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में वी कुड सेलेक्ट 20 चिल्ड्रन एंड मेजर द मीन टाइम, हम मीन टाइम जो है वो मेजर करते हैं कि यह पूर्णिया के बच्चे जो है औसतन कितने घंटे टीवी देखते हैं, वो हम सेट करते हैं, फिर हम कंपेरिजन करते हैं। तो हम चलते हैं चौथे स्टेप में, मेक ए डिसीजन। अब हम डिसीजन पे आते हैं कि हमें जो हाइपोथेसिस दिया गया था वो क्या है, सही है या गलत, यानी ट्रू है और फॉल्स। तो इफ द डिस्क्रिपेंसी यानी अंतर बिटवीन द सैंपल मीन यानी पूर्णिया के बच्चे का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन यानी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे का जो मीन होगा, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस, ठीक है, कम हो, ठीक है, यानी यहाँ के बच्चे अगर 2.5 आवर्स यानी सपोज 2 घंटे 55 मिनट टीवी देखते हैं औसतन एक सप्ते में सारे बच्चे, और इंडिया की पॉपुलेशन जैसे हम बात करें बच्चों को जो है 3 देख ही रहे हैं, तो दोनों में बीच का डिफरेंस तो बहुत कम हुआ, 2 घंटा 55 मिनट अगर यहाँ के बच्चे देख रहे हैं टीवी तो 5 मिनट का फर्क हुआ, तो दिस आर द वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे,
उस कंडीशन में क्या कहेंगे, देन वी विल लाइकली डिसाइड दैट द क्लेम यू आर टेस्टिंग इज इन द ट्रू। कहने का मतलब हमने जो ऊपर क्लेम किया था, हमने जो ऊपर हाइपोथेसिस सेट किया था, दैट इज ट्रू। अगर सैंपल में और पॉपुलेशन मीन में बहुत कम का फर्क हो तब, बहुत कम का डिफरेंस हो तब। इफ द डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब है अगर दोनों में अंतर इज टू लार्ज, अगर बहुत ज्यादा हो, यानी यहाँ के अगर पूर्णिया के बच्चे 10 घंटा टीवी देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे का औसतन टीवी देखने का जो समय है वो 3 घंटा है, तो दोनों के बीच में बहुत का डिफरेंस होगा, 7 का डिफरेंस हो गया, 7 घंटे का डिफरेंस हो गया, तो लार्ज डिफरेंस हुआ, तो देन वी विल लाइकली डिसाइड टू रिजेक्ट द क्लेम एज बीइंग नॉट ट्रू। कहने का मतलब है फिर ऊपर जो हमने क्लेम किया सेट द हाइपोथेसिस में वो ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो हाइपोथेसिस जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, इसमें दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, दूसरा जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एच वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एच नॉट जो है द नल हाइपोथेसिस, ये एक्चुअली हम कब कहते हैं, इन कब सेट करते हैं, तो जब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। मीन हम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मीन एक पैरामीटर को सेट कर लिए हैं। ठीक है, इसीलिए वहां कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर हम पॉपुलेशन के मोड और सैंपल की मोड की कंपेरिजन करें तो भी हम कह सकते हैं दैट इज द पैरामीटर। तो हम मीन बार बार ले रहे हैं क्योंकि सैंपल है, ठीक है, समझने में आसानी होगी, इसीलिए आप लोगों को इसलिए मैंने मीन लिया है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। कहने का मतलब है कि सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के मीन में अगर फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, ठीक है, तो हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि वो नल हाइपोथेसिस वहां पे हम सेट करेंगे, या वो नल हाइपोथेसिस को शो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट स्टेटेड एज द नल इज ए स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर सच एज द पॉपुलेशन मीन दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू। कहने का मतलब है, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे अगर जैसे मैंने कहा कि इंडिया के बच्चे 3 घंटे टीवी एक सप्ताह में देखते हैं औसतन, और मैंने कोई एक सैंपल लिया, सपोज पूर्णिया के बच्चे जो है एक सैंपल की तरह ट्रीट करेंगे, तो पूर्णिया के बच्चे अगर एक सप्ताह में 3 घंटे टीवी देखते हैं, यहाँ के बच्चे या नियर टू 3 यानी 3 घंटे के नजदीक, यानी 2 घंटा 55 मिनट या 3 घंटा 5 मिनट, तो नियर टू 3 आवर्स हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन का जो टाइम है 3 आवर्स, और जो सैंपल का 3 आवर्स के आसपास है, दोनों में बहुत कम का डिफरेंस है, तब हम कहेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस को शो कर रहा है, इसमें जो है दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो नल हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है। तो अब चलते हैं दूसरा, कि उसका जो अल्टरनेटिव है, सिंपल बात है कि जब दोनों में यानी सैंपल और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस बहुत होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लागू होता है, यानी फॉलो होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन, यानी दोनों के बीच में अंतर हो, ठीक है, या एक सैंपल एक पॉपुलेशन मीन में अंतर हो, या दो सैंपल के मीन में भी अंतर हो, तो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉलो होता है। इट डायरेक्टली कंट्राडिक्ट नल हाइपोथेसिस। कहने का मतलब है ये डायरेक्टली अपोज करता है, ऑब्जेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, यानी ठीक उसका उल्टा है। इट डायरेक्टली कंट्राडिक्ट नल हाइपोथेसिस बाय स्टेटिंग दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, एक उदाहरण के साथ हम इसको समझ रहे थे कि इंडिया के बच्चे अगर एक सप्ते में 3 घंटे टीवी देखते हैं औसतन, और पूर्णिया के बच्चे भी नियर अबाउट 3 घंटे टीवी देखते हैं, तो कहते हैं कि दोनों के बीच में ज्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ, तो इट फॉलोज द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब जो अगर वो 3 घंटे से बहुत कम हो वैल्यू, यानी 1 घंटे देखता हो, आधा घंटा देखता हो, या 3 घंटे से बहुत ही ज्यादा देखता हो, ठीक है, मतलब 10 घंटा 15 घंटा देखता हो, ठीक है, तो वही चीज कर रहे हैं कि
एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन, यानी बहुत कम हो, या ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा हो, या नॉट इक्वल टू द वैल्यू स्टेटेड इन द नल हाइपोथेसिस, जो ऊपर व्याख्या किया गया है कि तीन घंटे अगर उसके बराबर नहीं हो, यानी उससे कम हो या उससे बहुत ज्यादा हो, यानी उसके बराबर नहीं हो, देन इट फॉलोज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तब वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फॉलो करेगा। तो दो तरह का हुआ। तो समझने के तौर पे आप एक लाइन याद रखेंगे, नल हाइपोथेसिस कब हम लागू होता है, कब बात करते हैं, जब दोनों के दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो। किन दोनों में? तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन है। और दोनों में डिफरेंस हो, देन इट फॉलोज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चलते हैं, एक टर्म आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, या सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इन शॉर्ट वर्ड, एक इसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इट रिफर्स, सबसे पहले इट रिफर्स टू ए क्रिटेरियन ऑफ जजमेंट अपॉन विच ए डिसीजन इज मेड रिगार्डिंग द वैल्यू स्टेटेड इन द हाइपोथेसिस। कहने का मतलब, जैसे हमने कहा कि ये ऊपर की जो सेंटेंस है वो सही है, लेकिन किस हद तक सैंपल का मीन और पॉपुलेशन मीन में अंतर नहीं है, किस हद तक, यानी किस लेवल तक, ठीक है, किस लिमिट तक, ठीक है। तो एक लिमिट तक, तो वही जो लिमिट होता है, ठीक है, उस लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। तो अब आते हैं यहां पे, इट रिफर्स टू ए क्रिटेरियन, ठीक है, एक क्रिटेरिया फॉर ऑफ जजमेंट, जजमेंट के लिए, निर्णय के लिए, अपॉन व्हिच ए डिसीजन इज मेड, जिसपे की डिसीजन बनाया जा सके, कहा जा सके, रिगार्डिंग द वैल्यू स्टेटेड इन नल हाइपोथेसिस, जो कि नल हाइपोथेसिस में जो जो सेंटेंस आ गया, जो हाइपोथेसिस कहा गया हो, ठीक है, उस पे जजमेंट का जो क्रिटेरिया सेट करते हैं वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। आगे और ज्यादा क्लियर होगा। इन बिहेवियरल साइंस, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, द क्रिटेरिया और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज टिपिकली सेट एट 5%, 5% पे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सैंपल मीन इज लेस देन 5%, अगर जो सैंपल मीन है उसको, वो जो मिल रहा है, हम अलग अलग एरिया का जो हम चेक कर रहे हैं, जैसे पूर्णिया का किया, कटिहार का किया, किशनगंज का किया, अररिया का किया, कि यहाँ के बच्चे जो है अब कितने घंटे एक सप्ते में टीवी देखते हैं, वो जो हम चेक कर रहे हैं, अगर उसका जो मीन है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन मीन से 5% से कम हो, किसके तुलना में, पॉपुलेशन मीन के तुलना में, तो देन इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और जो हम नल हाइपोथेसिस को हम मान के चल रहे हैं, देन वी रिजेक्ट द वैल्यू स्टेटेड इन नल हाइपोथेसिस। कहने का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है वो 3 घंटे टीवी देख रहे हैं, पॉपुलेशन जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है बच्चे का, वो 3 घंटे टीवी देख रहे हैं एक सप्ते में, अगर उसमें अगर वही वैल्यू, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का फिर हम चेक करते हैं, तो जब हम चेक करते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन में 5% से कम बच्चे, 5% से कम सैंपल में अगर वो फॉल हो रहा है, तो इट रिजेक्ट द वैल्यू स्टेटेड इन द नल हाइपोथेसिस। तो हम इस चीज को और एक्सप्लेन करेंगे आगे बढ़ते, वहां क्लियर हो जाएगा यहाँ ग्राफ के तौर पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक ग्राफ पे। जैसे मैंने कहा, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, और आपको पता होगा कि जब हम क्लास में पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हम जो मीन था, ठीक है, मीन जो सैंपल मीन था उसको हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते थे, और जो पॉपुलेशन मीन था आपको याद होगा कि उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको रिमेम्बर होगा। तो म्यू जो हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे हम टीवी वाला जो एग्जांपल बच्चे का लिए हुए हैं, तो उसके तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ इंडिया के जो बच्चे हैं 3 घंटे अगर सप्ताह में टीवी देते हैं, तो इज द मीन ऑफ वॉचिंग टीवी इन चिल्ड्रेन, ठीक है। अगर बात कर तो यहाँ पे इट विल बी 3, एक एग्जाम्पल किया हमने 3। तो अब बोलते हैं कि हम अब पूर्णिया का करते हैं, कटिहार का करते हैं, किशनगंज, कटिहार का करते हैं, तो मान के चलते हैं कि नियर टू 3, पूर्णिया का करते हैं तो वो भी नियर टू 3,
कर करते हैं या अररिया का करते, वो भी नियर टू थ्री, इस तरह से अगर करते हैं तो हम ऑल ओवर द इंडिया अगर हम सैंपल एक फिक्स करते हैं फिर उसको उसका मीन निकालते हैं, तब अगर हम बात करते हैं इस तरह का एनालाइज करने का तो उसके आधार पे एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो का मतलब है कि अगर ज्यादातर सैंपल का जो मीन होगा वो नियर टू थ्री होगा यानी पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा तो वो इस एरिया में लोकेट होगा, ठीक है। तो और जब थ्री से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो राइट हैंड साइड मूव करेगा, और जैसे सपोज कि 15 या 20 घंटे हो गया तो वो यहाँ पे टेल पे राइट हैंड साइड टेल पे वो शो करेगा, इट मीन्स कि वैल्यू उसका ज्यादा है तीन से। अगर तीन से बहुत कम हो तो यहाँ देख सकते हैं आप चिल्ड्रेन वॉच लेस देन 3 आवर्स ऑफ टीवी पर वीक, तो यहाँ पे होगा। अगर चिल्ड्रेन 3 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं तो वो यहाँ होगा। तो अगर जिस चिल्ड्रेन नियर टू 3 आवर्स टीवी देखते हैं तो वो बीच में होगा। अब बात होती है कि अगर ज्यादा 95, अगर हम 5% इधर रख दें तो बच्चा कितना 95%, तो 95% जो सैंपल होगा उस सैंपल में अगर मीन नियर टू 3 होगा तो वो इस एरिया में लोकेट करेगा, ठीक है, और 5% वाला इस एरिया में लोकेट करेगा, यानी जिसका मीन 3 से बहुत ज्यादा या 3 से बहुत कम हो, 3 से ज्यादा होगा तो यहाँ होगा, 3 से बहुत कम होगा तो यहाँ होगा। तो 90% 95% जो डाटा होगा उसका जो मीन होगा वो नियर टू 3 शो करेगा। अगर यही चीज हम कह रहे थे कि 5% से अगर बहुत कम हो, ठीक है, अगर 5% से बहुत कम हो तो इट मीन्स कि ज्यादातर सैंपल इस एरिया में लोकेट कर रहा है। अब इस चीज को जब पीपीटी अपलोड हो जाएगा तो आप एक बार जरूर इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसमें कि अगर हम एक और कि हम कैसे इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे कि सैंपल का जो मीन है वो, हमने जैसे वैल्यू है 3 के तुलना में हम अगर 1 का तुलना करें तो हमको पता है कि 2 यूनिट से डिफरेंस है, यानी 2 यूनिट्स कम है, ठीक है, पॉपुलेशन मीन की तुलना में। या कोई अगर सैंपल मीन अगर 5 निकल गया तो पॉपुलेशन की तुलना में उसका 2 यूनिट ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम एक स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म आता है, एक पैरामीटर, एक जो टर्म आता है वो है क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो कंपैरिजन, इसका हेडिंग है कंपैरिजन ए लार्ज सैंपल विथ ए नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी एक स्टैंडर्ड को, यानी स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या, तो पॉपुलेशन मीन, तो एक पॉपुलेशन मीन को हम सैंपल के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे किसके लिए, ठीक है, कि दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क है या नहीं है, दोनों में ज्यादा का डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आखिर फर्क करेंगे कब, जब हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्लीज रिमेम्बर इट, स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट से हम निकालेंगे। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, वेयर एक्स बार जैसा आपको पता है कि मीन ऑफ सैंपल है, म्यू जैसा आपको पता है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन है, और एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, सैंपल का, ठीक है, एंड जो एन है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी एक्स कितना बार दफा दिया गया है, जैसे आपको पता है कि जैसे टेबल में यहाँ पे एक्स जितनी दफा रहेगा दैट इज एन, कितनी दफा है वो, ठीक है। तो अब चलते हैं कि यही डी का जो वैल्यू अब हम निकालेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो d इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है, यही फॉर्मूला हम सेट करेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका वैल्यू है 9, 9, 11, 10, 12, 13, 10, 12, 11, 11, ठीक है, ये x का वैल्यू है, ठीक है। अब इसका हम ये फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x बार निकालना पड़ेगा,
ठीक है, म्यू जनरली गिवन रहता है, दिया हुआ रहता है, ठीक है, और निकालना क्या पड़ेगा, तो एक्स बार यानी मीन निकालना पड़ेगा, एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एन तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है कि मतलब एग्जाम्पल से यानी क्वेश्चन से पता चल जाता है एन कितना है इसका। तो हमें यहाँ बेसिकली दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक्स बार और एस। तो ये डाटा है, तो एक्स बार निकालने के लिए आपको पता है कि एक्स बार निकालने के लिए सबको हम जोड़ देंगे और एन से उसको हम डिवाइड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सबको जोड़ा तो एक्स बार जो है यहाँ पे निकला 10.8 यानी 10.8, ये एक्स बार निकला, ठीक है। अब हम यही अब निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। हम क्यों निकाल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपेरिजन ए लार्ज सैंपल विथ ए नॉन स्टैंडर्ड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो अब हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसको हम एक एग्जाम्पल के एग्जाम्पल लेके हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू गिवेन है, उसका हम एक्स बार निकाल लेते हैं, इजी है, सबको जोड़ के एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकला 10.8, ठीक है। अब हम हर एक्स को फिर माइनस कर एक्स में माइनस करते हैं एक्स बार को, तो यहाँ पे 9 - 10.8 तो ये बच गया वो -1.8। उसी तरह से 9 में माइनस करेंगे 10.8, उसी तरह से वो -1.8। इसी तरह से हम इंडिविजुअल डाटा में एक्स बार को हम माइनस करेंगे तो ये जो फिर एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा। फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे, हर इंडिविजुअल डाटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -1.8 का जो स्क्वायर करेंगे तो 3.24, फिर -1.8 का 3.24, 0.2 का 0.04, इस तरह से जो स्क्वायर वैल्यू निकला, अब उसको हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सबको जोड़ने के बाद हमें मिला है 15.6, इसका वैल्यू है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम स्टैंडर्ड डिविजन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविजन का आपको पता है, ठीक है, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, जैसा फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो उसी को हम पुटअप किए हैं यहाँ पे। तो समेशन ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 15.6 है, तो 15.6 अपॉन 10 - 1, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 - 1, तो 15.6 अपॉन 10 - 1 इक्वल टू 9, 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 1.73, अंडर रूट 1.73 का जो वैल्यू होगा 1.31, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1.31 निकल गया फॉर दिस डाटा। x बार हो गया 10.8, हमारे पास आ गया 10.8 x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.31। अब हम इसी को फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो जो ये d का जो फॉर्मूला था यहाँ पे है ना, इसी पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ जब सेट किए तो जो है x बार 10.8 माइनस 11.5 जो कि म्यू का वैल्यू है, ये पहले से ये जो है ना आप देख सकते हैं ये x बार माइनस म्यू, तो x बार तो यहाँ से निकल गया, म्यू यहाँ पे दिया हुआ है 11.5, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है ना लिखा हुआ, तो हेयर म्यू इज इक्वल टू 11.5, तो 11.5 यहाँ पुट अप कर दिए और नीचे जो है फिर s होगा फॉर्मूला का, s का जो वैल्यू 1.31 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का, फिर अंडर रूट n यानी n कितना है 10, हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो निकलता है -1.68, ठीक है। माइनस का मतलब है कि इस पीक से ये डाटा जो है लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी जो वैल्यू है वो 1.68 है। तो अब एक चीज और याद रखेंगे कि इन बिहेवियरल साइंस इस जो वैल्यू जो रेंज लिया जाता है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक ग्राफ देखिए कि ये जो 3 है 3 से कितना ज्यादा और 3 से कितना कम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये 3 से कितना ज्यादा तो 2 तक जा सकता है, 3 से कितना कम तो 2 तक जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 इधर भी और 2 इधर भी, तो यही 2 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से लिया जाता है रेंज के लिए इन बिहेवियरल साइंस, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान में। तो 2 कहीं पे 2 एग्जैक्ट दिया रहता है तो कहीं पे 1.96 दिया रहता है। तो जनरली अब हियर द वैल्यू ऑफ डी इज इन बिटवीन 1, अब जो है ये जो 1.96
इधर भी है और 1.96 इधर भी है, यानी अगर हम बात करें इसकी D का जो वैल्यू निकला वो 1.68 निकला, तो 1.86 इज इन बिटवीन -1.96 एंड +1.96। आप वैल्यू से देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो निकला D का वो इन दोनों के बीच में निकला। इसका मतलब है कि जो सैंपल है वो उस जोन में लाई कर रहा है, यानी इस वाले एरिया में लाई कर रहा है, यानी बीच पीक के इधर और पीक के इधर, यानी टेल तक नहीं पहुंचा है, यानी यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो मीन सैंपल का जो मीन है और पॉपुलेशन कम है, इन दोनों में फर्क यानी डिफरेंसेस नहीं, यानी ग्रेट डिफरेंस नहीं है। तो हियर द वैल्यू ऑफ डी इज इन बिटवीन -1.96 एंड +1.96, इट इज नियर अबाउट 2। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके बिहेवियरल साइंस में 2 हम कंसिडर करते हैं, तो कहीं कहीं पे 1.96 ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड स्टैंडर्ड। कहने का मतलब है कि ये दोनों के बीच में अगर वैल्यू लाई करता है, यानी बीच में होता है, तो इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड स्टैंडर्ड या बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। कहने का मतलब है इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम ये निकालते हैं कि सैंपल और स्टैंडर्ड यानी सैंपल और पॉपुलेशन मीन में फर्क है या नहीं, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकला है, ठीक है, -1.68 निकला है। जो हम चलते हैं यहाँ पे, ये तो एग्जाम्पल द्वारा हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि जब सैंपल की जो एन का जो वैल्यू है वहां पे हमने कितना लिया था, यहाँ 10, ठीक है, तो ये छोटा सैंपल था। तो छोटा सैंपल के लिए हम ये फॉर्मूला लाते हैं, डी का ये फॉर्मूला, डी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट अंडर एस। लेकिन सैंपल बड़ा हो, एन का वैल्यू बहुत बड़ा हो, क्या मतलब है कि मोर देन 30, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डी इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन एस वन स्क्वायर अपॉन एन प्लस एस वन, यहाँ सॉरी यहाँ एस टू होगा, ध्यान से, यहाँ जो दूसरा वाला जो एस वन है ये एस टू होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, एस टू स्क्वायर अपॉन एन। तो एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, यानी एक क्वेश्चन लेके, जैसे एक्स वन का वैल्यू है 52, एक्स टू का वैल्यू 59, एस वन का वैल्यू है 2.1, यानी एस वन दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल फर्स्ट, ठीक है, एस टू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सैंपल दैट इज 0.7, और एन जो है सैंपल के लिए एन जो है 35 और एन टू जो है वो 40 है, यानी लार्जर सैंपल के लिए हम बात करें। अब सबका वैल्यू हम इस फॉर्मूले में बिठाएंगे, x1 का वैल्यू जैसा आप देख रहे हैं 52 है, x2 का वैल्यू 59 है, पुट अप किए, s1 का 2.1, s2 का 0.7, n का, n1 का जो है वो 35 और n2 का जो है वो 40, सॉरी यहाँ पे पहले वाले में n1 लिखेंगे n2 लिखेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करेंगे जब इसको, हम एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं, तो जब सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आता है -18.86, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि माइनस 18 जो है वो 1.96 से बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के बीच में नहीं है, कितना है तो माइनस 18.86, यानी माइनस 1.96 बहुत ही ज्यादा है। अब चलते हैं कि अगर ये ज्यादा है, इट मींस तो द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल, यहाँ पे जो कहां डी का वैल्यू आया 18.86, तो कहने का मतलब ये बहुत ही ज्यादा है इस रेंज से, 1.96 माइनस 1.96 से प्लस 1.96 बहुत ही ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसा मैंने कहा कि 5% जो है हम एक बिहेवियरल साइंस में हम उसको सेट करते हैं, ठीक है, उस 5% में ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एट डिफरेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो एक आता है कॉन्फिडेंस लिमिट, यानी कहां तक वो जो है, फिर हम बात करते हैं कि वो एक नियर अबाउट वैल्यू माना जा रहा है। जैसे यहां हम कर रहे हैं ये ग्राफ में, हम देखें कि ये जैसे ये ग्राफ था,
तो ये मिड पॉइंट है, यहां से हम कहां तक जाएंगे कि नियर अबाउट थ्री माना जाएगा, या यहां से कहां तक जाएंगे कि नियर अबाउट थ्री माना जाएगा, तो उसी को हम निकालते हैं इस कॉन्फिडेंस लिमिट से। तो द लिमिट्स ऑफ वेरिएबल इन विच 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर लोकेटेड, यानी जो ऑब्जर्वेशन है उसका 95% जो है इसी रेंज में लाई करेगा, लोकेट करेगा। तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस डी एस अपॉन रूट अंडर एन टू, यानी यहां से कहां तक, x बार प्लस डी एस अपॉन रूट अंडर एन। डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, जैसा हम पिछले स्लाइड में डिस्कस किए। एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसी फॉर्मूला के एग्जांपल में हम सेट करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में x बार 20, s है 2 और n है 80 और d है 1.96। हम सबका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये आएगा 19.57 से 20.43। तो कहने का मतलब दैट इज द लिमिट, यानी यहां से यहां तक ही ये वेरिएबल जो है वो जा सकता है। तो इसी चीज को हम दर्शाते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट से। ठीक है, एक टर्म आता है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट, जिसको हम सिंपली टी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जिसके तहत हम ये भी जानते हैं, पता कर पाते हैं कि ये जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक कंपैरिजन स्टडी है एक सैंपल का मीन के साथ या एक दो सैंपल के बीच में। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट यानी स्टूडेंट टी टेस्ट इज वाइडली यूज्ड टू कंपेयर द स्मॉल सैंपल विथ ए स्टैंडर्ड, यानी जब हम स्टैंडर्ड के साथ एक स्मॉल सैंपल को कंपेयर करते हैं कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। तो स्टूडेंट टी टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच इज वाइडली यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप ऑफ सैंपल। कहने का मतलब है इसमें हम दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं, चाहे वो दो सैंपल हो, यानी एक कटियार के बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं, एक अररिया के बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं, दोनों के बीच में जब कंपेरिजन हो। ठीक है, या एक कटियार के बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कितने घंटे, इन दोनों के बीच में जब कंपेरिजन हो तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। सिंपल याद रखिएगा कि इट इज अ कंपेरिजन ऑफ टू ग्रुप्स, चाहे वो दोनों सैंपल हो या एक सैंपल एक पॉपुलेशन हो। तो द टी टेस्ट ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सेट्स ऑफ डाटा। वही बात है, यानी हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है डाटा के बीच में, इसको हम एनालाइज करने के लिए टी टेस्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट टी टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन। तो एक एग्जाम जैसे टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट अंडर एन। आपको पता है, जैसे हम इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जस्ट अभी पिछले स्लाइड में, स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, आपको बता दें कि वो जो एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी, वो भी बताता था कि कंपेरिजन बिटवीन टू सैंपल्स, कंपेरिजन बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन, तो उससे भी हम पता करते थे कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो वही चीज हम टी से भी पता करते हैं। ठीक है, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला वही है एज द स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट का, वही फॉर्मूला है। तो टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट अंडर एन। तो एक एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं, उसको हम वही टी टेस्ट लगा के हम फिर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वैल्यू है गिवन है 53269, और फिर हम उसका एक्स बार निकालते हैं जो कि निकला है कितना 5, और फिर हम उसको एक्स बार को माइनस करेंगे हर इंडिविजुअल वैल्यू में, तो फिर ये निकला, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको सम करेंगे। क्योंकि क्यों सम करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो एस इक्वल टू रूट अंडर 30 इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, यानी एन कितना है इसमें 5, 1 2 3 4 5, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो रूट अंडर 30 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 7.5 दैट इज 2.73, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 2.73 निकला। ठीक है, तो अब यही स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया और एक्स बार निकल गया, इसको हम अब टी टेस्ट में हम पे फॉर्मूला पे सेट करते हैं जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, इस टी टेस्ट में जब लगाते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो टी का जो वैल्यू आता है वो -1.2 आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू, हालांकि इसको ऊपर लिखना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, अब क्रिटिकल वैल्यू जो है सेट किया हुआ है 2.776, इट इज गिवन, आपको ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है,
तो अब इसके रेस्पेक्ट में हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 1.22 जो है इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, यानी ये जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे कम है, ठीक है। सो द मीन ऑफ टू पॉपुलेशंस आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर ईच अदर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब है कि जो क्रिटिकल वैल्यू है जो दिया हुआ है, जैसे हम एग्जांपल में हमने आपको सेट किया था, अभी कितना जो बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं, वो जो एग्जांपल में हमने 3 सेट किया था, यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए उन्होंने 2.776 सेट किया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये इट इज लेस देन द 1.22, तो दैट इज लेस देन द 2.76, सो the critical so the means of two populations are not significantly different from each other at 5% level of significance. So agar isse kam hai to that is not significant difference between the two samples.